हार्ट ब्लॉकेजेस के कंप्लेंट लेके बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, और ये फ्रॉम 18-20 इयर्स के, 30 इयर्स के, और आफ्टर 50-60 इयर्स में भी बहुत कॉमनली पाया जाता है। हर बार एलोपैथिक मेडिसिन में इसमें एंजियोप्लास्टी बाईपास या फिर स्टेंट डालने के लिए बोलते हैं। और क्या आपको इन सब चीज़ों की ज़रूरत रहती है, क्या आपको ये सब ट्रीटमेंट करवाना चाहिए, क्या नेचुरल मेथड से भी हार्ट ब्लॉकेजेस निकल सकते हैं? हाँ, एकदम आयुर्वेदा में सिंपल ट्रीटमेंट हार्ट ब्लॉकेजेस के लिए दी गई है, जिससे कि आपके हार्ट ब्लॉकेजेस कम्प्लीटली निकल भी सकते हैं और परमानेंटली निकल सकते हैं और फिर से आएंगे भी नहीं। इसमें दूधी का जूस डेली दिन में 3 बार पेशेंट को पिलाया जाता है। दूधी की सब्ज़ी और रोटी 1 महीने तक कंटिन्यूसली पिलाई जाती है। इसमें दूध में हल्दी शिलाजित के ड्रॉप्स दिए जाते हैं और पेशेंट को 15 से 20 दिन कंटिन्यूसली नस्यम ट्रीटमेंट नेजल ड्रॉप्स कंटिन्यूसली देते हैं। और हार्ट ब्लॉकेजेस और चेस्ट पेन बहुत ज़्यादा हो तो छाती पे लगाने के लिए लेप दिया जाता है। बस्ती ट्रीटमेंट एनिमा ट्रीटमेंट दी जाती है, जिससे कि उनका बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाते हैं। जिनका कि इजेकुलेशन फ्रैक्शन कम हो, ओनली 8-10% है, जिनका कि हार्ट वर्किंग एक्शन डाउन हो गया है, ऐसे पेशेंट का भी इजेकुलेशन फ्रैक्शन हम थोड़े ही दिनों में 30-40-50% तक बढ़ा सकते हैं। जिनको इरेगुलर हार्ट बीट्स है, अरिथमिया जिसे बोलते हैं, इसके लिए भी हर्बल मेडिसिन से आप हार्ट बीट्स रेगुलर करवा सकते हैं। इसमें कंटिन्यू दिन में 2 से 3 बार गाय के दूध के साथ दवाई दी जाती है। और दीर्घ श्वसन या प्राणायाम कंटिन्यूसली 10 से 15 मिनट पेशेंट को करवाया जाता है, और विद इन 1-3 मंथ्स में हाइपरटेंशन, हार्ट ब्लॉकेजेस पेशेंट के क्योर हो जाते हैं।